हेलो दोस्तों, आप सभी को बताई होगा कि मुंबई में मेट्रो लाइन का सपना कई दशकों पहले से देखा जा रहा था, पर आखिरकार 2014 में मुंबई में सबसे पहली मेट्रो लाइन दौड़ पड़ी, जिसे हम मेट्रो लाइन 1 के नाम से जानते हैं। यह मेट्रो लाइन घाटकोपर से शुरू होकर वर्सोवा तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 11 किलोमीटर की है। पर आज तक इसके नीचे से होकर गुजरने वाले अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। पर अभी सरकार इसके रीडेवलपमेंट के बारे में सोच रही है, और हाल ही में सबर्बन गार्डियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे जी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक प्रपोजल तैयार किया है, जिसके तहत मेट्रो लाइन 1 के नीचे से होकर गुजरने वाले 4.5 किलोमीटर लंबे अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड का रीडेवलपमेंट किया जाने वाला है, जिसके तहत इस रोड का पूरा कॉन्क्रीटीकरण किया जाएगा और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया जाने वाला है, जैसे कि पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रेचेस, ग्रीन क्लस्टर्स, इस रोड पर आने वाले बस स्टॉप्स का रीडिजाइनिंग और उसी के साथ में नए भारत की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को भी बनाया जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट को चलाने के पीछे की सबसे बड़ी मंशा है कि इस अंधेरी घाटकों पर लिंक रोड पर आने वाले ट्रैफिक की समस्याओं को दूर किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग आवर्स में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक का सामना यात्रियों को करना पड़ता है। और उसके अलावा मेट्रो से आसपास के विभागों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी जा सके, इस पर भी आज तक कभी ध्यान नहीं दिया गया। और अभी इन्हीं सारी बातों के ऊपर ध्यान रखते हुए इस प्रोजेक्ट को चलाया जाने वाला है। और अगर इस मेट्रो लाइन की बात करें तो अभी सिर्फ मेट्रो लाइन 1 ही मुंबई में दौड़ रही है, पर आने वाले कुछ समय में यही मेट्रो लाइन दो और मेट्रो लाइन्स को जोड़ दी जाएगी, जिसमें से पहली मेट्रो लाइन 2A जो दहिसर से डीएन नगर तक जाने वाली है, और दूसरी मेट्रो लाइन 7 होगी जो अंधेरी से दहिसर तक जाने वाली है, जिससे इस मेट्रो लाइन 1 का उपयोग और भी ज्यादा लोग करने लग जाएंगे। तो यह प्रोजेक्ट भविष्य में बढ़ने वाली समस्याओं को पहले ही सुलझाने का काम करने वाला है। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हो और ऐसे कौन से कॉरिडोर है जहां पर रीडेवलपमेंट की जरूरत है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।